हैंडपंप जिसका उपयोग ग्रामीण इलाकों में किया जाता है ज़्यादातर पानी को ज़मीन के काफ़ी नीचे से खींचकर ऊपर लाता है। ये सूखे पड़े हुए क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ ग्राउंड वाटर काफ़ी नीचे मौजूद रहता है। आज हम इसी हैंडपंप के बारे में सीखेंगे। हैंडपंप को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, हैंडपंप असेंबली और पिस्टन असेंबली। हैंडपंप असेंबली को बाहर से देखें तो इसको कहते हैं स्प्राउट, जहां से पानी बाहर आता है। पंप हेड जिसमें हैंडल असेंबली को रखा जाता है। टॉप फ्लेंज जो जमीन के ऊपर रहता है और बॉटम फ्लेंज जमीन के नीचे। इसे कहते हैं केसिंग पाइप जिसके अंदर पानी को खींचने का पूरा खेल चलता है। इसे कहते हैं राइजिंग मेन जहां से अंडरग्राउंड पानी चैम्बर में आता है। राइजिंग मेन के ऊपर लगती है गैस्केट जो पानी को सील करने का काम करती है। इसके ऊपर लगता है चेक वाल्व जो पानी के बहाव को नियंत्रित करता है। वाल्व के ऊपर वेट को लगाया जाता है जिसका काम हम आगे वीडियो में जानेंगे। हैंडपंप बॉडी को राइजिंग मेन असेंबली पर बिठाया जाता है। आगे बढ़ते हुए पिस्टन असेंबली में ये सभी पार्ट्स को बिठाया जाता है जो कुछ इस तरह से एक दूसरे से फिट होते हैं। पिस्टन असेंबली सिरिंज की तरह काम करता है जो वैक्यूम के जरिए पानी को धरती से खींचता है। अब हम इसके वर्किंग को समझते हैं। जब हैंडल को दबा के पिस्टन ऊपर आता है तब वैक्यूम के चलते चेक वाल्व ओपन होते हुए ग्राउंड वाटर को अंदर खींचता है। जब हैंडल को ऊपर उठाया जाता है तब केसिंग में प्रेशर बढ़ता है जिसके चलते चेक वाल्व नीचे जाता है और ग्राउंड वाटर को बंद करता है। यही प्रोसेस बार बार किया जाता है और पानी स्प्राउट के जरिए बाहर आता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।